अलैकुम, वेलकम। इस नए टॉपिक में तो नया जो टॉपिक है एचटीएमएल का, वो है लिंक्स या हाइपर लिंक्स भी हमें बोलते हैं। तो एचटीएमएल एक्चुअली है ही हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। हाइपर लिंक टेक्स्ट जो है या इमेज जो है, आप वीडियोज भी है, हाइपर लिंक यानी एक टेक्स्ट है वो किसी और चीज़ के साथ, किसी और पेज के साथ लिंक है। जब उस पर क्लिक करते हैं तो हम किसी और पेज पे या किसी और वेबसाइट पे, ठीक है, या किसी और सेक्शन ऑफ द पेज पे पहुंच जाते हैं। सो कैसे बनाते हैं लिंक्स, ये हम सीखेंगे। फॉर टू क्रिएट अ लिंक वी हैव अ टैग ए या एंकर टैग हमारे पास है, ठीक है। और इसमें एक प्रॉपर्टी है एचआरएफ की, तो यहाँ पर हम लिखते हैं डेस्टिनेशन। फिलहाल ऐसे दिखाऊंगा तो, और यहाँ पर डिस्प्ले टेक्स्ट और फिर ये एंकर टैग क्लोज किया जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सटेंड कर दूं। तो ऐसे हमारा ये एंकर टैग काम करता है। इसको आप ए टैग बोलो, एंकर टैग बोलो। तो इसमें प्रॉपर्टी है ए, इसमें प्रॉपर्टी है एचआरएफ की। तो उसमें हम डेस्टिनेशन देते हैं कि कहाँ इसको जाना है, ठीक है। फिर हम डिस्प्ले टेक्स्ट यहाँ पे कराते हैं, उसके बाद जो डिस्प्ले होना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे हम अगर इसको यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास डिस्प्ले टेक्स्ट है लेकिन ये कहीं जाएगा नहीं क्योंकि हमारे पास ये डेस्टिनेशन है ही नहीं कुछ। तो हम एक सही सही सी डेस्टिनेशन इसको दे देते हैं, ठीक है। सपोज हम इसको डेस्टिनेशन देंगे एक वेबसाइट की, सपोज न्यूज google.com, ठीक है। तो google.com की एक इसको लिंक दे देंगे। तो जो हम इसको क्लिक करते हैं अब डिस्प्ले टेक्स्ट में, तो हमें एक ही ले जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये कहाँ ले जाएगा, ये वही ले जाएगा जो हमने इसको यहाँ पे एड्रेस दिया होगा, ठीक है। जैसे हम देख रहे हैं इसने हमको गूगल पेज पे, गूगल के होम पेज या यहाँ पे सर्च इसका है तो वहाँ पे ले गया, ठीक है। ऐसे ही हम कोई और एड्रेस भी यहाँ दे सकते हैं। सपोज हम अपनी कॉलेज, अपनी यूनिवर्सिटी वगैरह का भी एड्रेस यहाँ पे दे सकते हैं। लाइक आई कैन गिव इट हियर, हमारा अपनी कॉलेज का एड्रेस स्पीक्स college.edu.in। तो एड्रेस मोस्ट ऑफ द टाइम फुल एड्रेस देना चाहिए बेटर, क्या हम फुल एड्रेस दें, ठीक है। एंड देन नाउ अगर मैं इसी डिस्प्ले टेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ तो ये अब मुझे कहीं और ले जाएगा जो कि मैंने इसको एड्रेस नया दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये डिस्प्ले टेक्स्ट हम कुछ भी रख सकते हैं एज पर नीड। सपोज यहाँ पे लिखता है SP कॉलेज, ताकि यूजर्स को भी जो हमारी वेबसाइट या हमारे वेब पेज देख रहे हैं तो उनको समझ आएगी कि जो लिंक है ये SP कॉलेज को जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे पेज खुलने वाला है SP कॉलेज का, ठीक है। तो हम फिलहाल वापस आ जाते हैं। तो ये तो था बेस की कैसे है, इस पे क्या ऑप्शन है हमारे पास। तो ये जो एक्चुअली लिंक है ये एक्सटर्नल लिंक है, ये किसी और पेज पे जा रही है, ठीक है। तो इसको हम एब्सोल्यूट एड्रेस भी बोलते हैं, जो हम इसको एड्रेस दिया एब्सोल्यूट एड्रेस। अब सपोज मैं अपने इस पेज पे हूँ, सपोज मेरे इस पेज का नाम है demo7.html। अगर मैंने यहाँ पे कोई और बनाया है, सपोज मैंने बनाया है demo5.html, ठीक है। तो ये लोकल है, ये रिलेटिव एड्रेस में दे रहा हूँ, मैं फुल एड्रेस नहीं दे रहा हूँ, मैं रिलेटिव, क्योंकि ये लोकल पे ही है। तो अगर मैं इस पे क्लिक करूँ और यहाँ पे इस पे आप क्लिक, तो मैं ये टेक्स्ट फॉर्मेटिंग एलिमेंट्स पे चला गया। तो ये एक मेरी फाइल बनाई थी demo5.html, ये प्रेजेंट होनी चाहिए, ये प्रेजेंट थी मेरे पास इसी फोल्डर में, जिस फोल्डर में ये वाली फाइल है। तो ये रिलेटिव एड्रेस मैंने दे दिया, ठीक है। तो रिलेटिव एड्रेस में तब दे सकता हूँ जब मैं उस एब्सोल्यूट एड्रेस पे पहुंच गया हूँगा, या हमारे पास बेस एड्रेस सेव करने के लिए कुछ ऑप्शन भी है जो हम आगे सीखेंगे। फिलहाल हम ये देखेंगे हमारे पास दो टाइप्स के एड्रेस हैं, वो है एब्सोल्यूट एड्रेस के, हम पूरा एड्रेस या रिलेटिव एड्रेस के एड्रेस, ठीक है। यहाँ पे एक और ऑप्शन भी है हमें, लेट्स कॉल इट टारगेट। तो टारगेट में बहुत सारे हैं, जैसे अंडरस्कोर ब्लैंक है, अंडरस्कोर पैरेंट है, अंडरस्कोर सेल्फ है, अंडरस्कोर टॉप है। अगर मैं अंडरस्कोर ब्लैंक इसको यहाँ पे कर देता हूँ तो जो है मैं इसको, तो ये इसने मुझे ये पेज खोला लेकिन एक नए पेज पे, ठीक है। एंड आई कैन राइट अनदर थिंग लाइक अंडरस्कोर सेल्फ। तो जब मैं सेल्फ पे देता हूँ इसको तो इसी पेज में, तो नया टैब या नई विंडो नहीं आती है।
ऐसे अंडरस्कोर पेरेंट और अंडरस्कोर जो है टॉप भी है, दो अलग अलग पेरेंट विंडो पे आ जाता है और टॉप एक इसी की बॉडी पे आ जाता है, तो वो ऑप्शन भी हमारे पास है। तो यहाँ पर लेकिन एक और चीज है याद रखने के लिए कि यहाँ पर तो मैं यहाँ पे दे रहा हूँ लिंक टेक्स्ट, लेकिन हमें पता है हमारे HTML पेज में हम यहाँ पे कुछ भी दे सकते हैं, एक इमेज दे सकते हैं हम, ठीक है। लाइक वो है IMG टैग से हम इमेज आते हैं। अब इमेज का सोर्स कि कहाँ से हमें सोर्स, अगर वेब पे है तो सारा फुल वेब का एड्रेस कहाँ से ले रहे हैं, ठीक है। अगर लोकल है, सपोज आई हैव अ लोकल फाइल कॉल्ड एज local.jp, अगर वो JPEG फाइल है तो मैं ये पूरा इसका जो है इसका जो टाइप ऑफ द फाइल, ठीक है, वो लिखूंगा फुल नेम विद टाइप ऑफ द फाइल, जो कि हम इसे एक्सटेंशन बोलते हैं, तो विद एक्सटेंशन लिखेंगे। तो इमेज मैंने दे दिया, तो अब अगर ये इमेज मेरे पास अवेलेबल है यहाँ पे, तो ये एक लिंक बन जाएगी। सपोज अब ये इमेज मेरे पास अवेलेबल नहीं है यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अगर मैंने सपोज यहाँ पर ऑल टेक्स्ट लिखा होता, ऑल्टरनेट इमेज सपोज, तो यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि इमेज आपको ला रहे थे वो है नहीं, तो ऑल्टरनेट टेक्स्ट आ गया। तो इस टेक्स्ट पे मैंने, लेकिन इस या इमेज अगर होगी तो इस इमेज पे हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। ऐसे ही हम जो एक वीडियो भी यहाँ ला सकते हैं, वी हैव वीडियो टैग्स एज वेल, अदर टैग्स एज वेल, दे विल लर्न मोर इन डिटेल्स। तो जो भी होगा यहाँ पे, इसके पहले तो हम एंकर टैग लिखते हैं, उस पे रेफरेंस हमने दे दी कि कहाँ जाना है, फिर टारगेट हम लिख सकते हैं, अगर नहीं लिखेंगे तो ये खुद से सेल्फ ले लेता है, अगर ब्लैंक भी ले सकते हैं। तो उसके बाद यहाँ पर हम एक इमेज दे सकते हैं, एक टेक्स्ट दे सकते हैं, एक वीडियो दे सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स दे सकते हैं।